दिस इज़ HTML टाइपिंग वर्क डेमो इन हिंदी। ये HTML हमारी सॉफ्टवेयर है जी। मैं ये ओपन करती है, इसका यूज़र नेम ब्लू और पासवर्ड आप लाइव वर्क लेने पर हम देते हूँ। और ये सैम्पल फाइल है, मैं इसे ओपन करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर पर, और इसका जूम साइज 85। अभी मैं ये फाइल देखने यहाँ टाइप कर जाती है। यहाँ देखो, अभी यहाँ टोटल रिकॉर्ड्स में 0 है क्योंकि डेटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है। मैं यहाँ सेव करने पर वहाँ देखा, वहाँ कितना रिकॉर्ड सेव करते कि उसे दिखाऊँ जी। अभी फाइल नंबर 1 मैं टाइप करती हैं, ये सीरियल नंबर की तरह है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 125 रिकॉर्ड लेने पर 1 से 125 तक आप कंटिन्यूसली टाइप करना है जी। अभी ये फाइल नंबर है इसलिए फाइल नंबर 1 मैम टाइप कर दी, और दूसरी फाइल जाने पर 2 और तीसरी फाइल जाने पर 3, इस तरह की पूरी रिकॉर्ड्स टाइप करना है जी। और उसके बाद इमेज नेम पर यहाँ देखो, अभी यहाँ सैम्पल है, वहाँ सैम्पल है और कैप्स में भी है, वहाँ क्या है उसे ही मैं टाइप कर जाता है। वहाँ सैम्पल होने के लिए मैम सैम्पल टाइप कर जाता है। और आप लाइव वर्क लेने पर इसमें भी यहाँ आप क्या लेना है उसे ही टाइप करो जी। वो तो कैप्स में माने पर कैप्स टाइप करो, स्मॉल में माने पर स्मॉल टाइप करो, वहाँ क्या है वही टाइप करो जी। और HTML में टैग्स तो अवश्य है। अभी मैम स्टार्ट टैग क्लिक करती है और उसके बाद टाइटल टैग, और यहाँ मैं बैच ID टाइप करना है, पर ये डेमो दिखाता है इसलिए मैम डेमो टाइप करती। आप लाइव वर्क लेने पर हम आपको बैच ID दूँगी, वो तो कांस्टेंट है, सभी फाइल्स के लिए ही एक ही बैच नंबर है जी, और उसे लाइव वर्क लेने पर ही हम आपको देंगे जी। और उसके बाद टाइटल टैग, बॉडी टैग, ये पैराग्राफ टैग है जी। आप पैराग्राफ शुरू करने पर, पैराग्राफ तो यहाँ टाइप करना कंटेंट है, पैराग्राफ शुरू करने पर आप ए सिंबल देना है और पैराग्राफ ख़त्म करने पर ए सिंबल देना है जी। अभी मैं पैराग्राफ शुरू कर जाता है इसलिए मैं इसे देऊँ, और इसे पेज नंबर का है, ये पेज 1 है इसलिए मैम कैप्स PAGE 1 टाइप करती, और पैराग्राफ एंडिंग सिंबल वो ही टाइप कर दी। और अभी ये कंटेंट लेता है, यहाँ देखो मैं पैराग्राफ स्टार्ट कर जाता है इसलिए मैं पैराग्राफ स्टार्टिंग सिंबल दी, और मैं पहला लाइन टाइप कर जाती है जी। मैं पहला लाइन टाइप कर दी, और लाइन ख़त्म करने के बाद आप लाइन ब्रेक देना अवश्य है जी, पर लाइन ब्रेक का सिंबल देने पर उसका पहला और उसका पीछा ही स्पेस देने स्पेस एरर हो जाएगा इस तरह की। यहाँ देखो, अभी यहाँ स्पेसेस है, BR के पहला और उसके बाद ही स्पेसेस है, इस तरह स्पेस देने पर स्पेस एरर हो जाएगा जी। और मैम पहला लाइन टाइप कर दी, उसके बाद दूसरी लाइन, लाइन 2। मैं डेमो है इसलिए मैम लाइन 2 लाइन 3 इस तरह की टाइप कर रहा है, पर आप लाइव वर्क लेने पर यहाँ क्या है वो पूरा ही टाइप करना है जी। वहाँ कैप्स हो तो कैप्स, स्मॉल मैम स्मॉल, वहाँ क्या है वो ही टाइप करो इस तरह की पूरा ही लाइन 3। और उसके बाद लाइन 4,
इस तरह की मैम पूरी लाइन टाइप करना है जी। इस फाइल में 40 लाइन है जी, आप लाइव वर्क लेने पर उसमें 40 तो 43 लाइंस पर आता है जी। मैं लास्ट लाइन टाइप करने पर उस पर इस पूरी लाइंस, पूरी लाइन ख़त्म होने के बाद आप बीआर सिंबल देना अवश्य है, उसके बाद पैराग्राफ एंडिंग सिंबल। हाँ, ये टैग क्लिक पर क्लिक करने पर ही मैं बताया, उससे रखी पैराग्राफ एंडिंग सिंबल टाइप करना है। पैराग्राफ स्टार्ट करने पर स्टार्टिंग सिंबल और पैराग्राफ ख़त्म होने पर पैराग्राफ एंडिंग सिंबल। वो तो टाइप करने के बाद ये बॉडी टैग है जी, बॉडी टैग क्लिक करना और एंड टैग और सेव, सेव क्लिक करने पर यहाँ फाइल सेव्ड सक्सेसफुली इस तरह की दिखा रहा है। इस पर दिखाने पर डेटाबेस में एक फाइल सेव हो जाता है। यहाँ देखो टोटल रिकॉर्ड्स में अभी 1 है, 1 होने के लिए डेटाबेस में एक फाइल है और उसके बाद 2। इस तरह की पूरी फाइल टाइप करना है जी। और आप फाइल टाइप करने पर कोई डाउट आता हो और आप चेक करने चाहते तो उसका फाइल नंबर देने पर एडिट करना सकता है। एडिट करने पर आपकी कंटेंट दिखाऊँ जी, उसमें कोई करेक्शन हो तो वो करेक्ट कर सकता है और कोई देखने पर ही देख सकता है जी। और पूरी होने के बाद अभी आप एडिट कर दिया, उसके बाद सेव करना है जी। सेव करने पर वहाँ सेव के ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने पर फाइल अपडेटेड सक्सेसफुली इस तरह की दिखाऊँ आपको, इस तरह दिखाने पर ही आपकी फ़ाइल अपडेट हो जाता है। आप फाइल अपडेट करना भूल जाने पर आपकी करेक्शन सेव नहीं हो जाए। और ये पूरा टाइप करने के बाद ही वो डेटाबेस का लोकेशन मैं अभी दिखाऊँ जी, और उसे किस तरह की हमको भेजो उसका प्रोसेस मैं अभी बताऊँ। यहाँ देखो, यहाँ HTML सॉफ्टवेयर है, HTML सॉफ्टवेयर में राइट क्लिक करने पर वहाँ प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में स्टार्टिंग में ब्लू वर्ल्ड टेक्नोलॉजी ब्लू वर्ल्ड डेटा HTML है, ये ब्लू कलर लेटेस्ट मेम है, ये तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा। मैं ये कॉपी करती, कॉपी करने के बाद मैं रन कमेंड ओपन कर जाती हैं। वहाँ मैं ये पेस्ट करती, यहाँ देखो BW डेटा HTML DB, यही आपकी डेटाबेस है जी। पर आपको ये ओपन करना नहीं सकता है, क्योंकि आप ये ओपन करने पर आपकी डेटाबेस का फाइल स्क्रैच हो जाएगा। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है जी, इसलिए आप ये ओपन करना नहीं करो। मैं ये कॉपी कर जाता हूँ, क्योंकि ये डेटाबेस ही काम का फिनिश होने के बाद ही आप भेजना पड़ेगा, इसलिए मैं ये कॉपी करती और डेस्कटॉप में मैं एक फोल्डर क्रिएट करती। ये डेमो है, इसलिए मैं डेमो में दी। आप लाइव वर्क लेने पर यहाँ बैच आईडी दे हो जी, यहाँ मैं पेस्ट करती। पेस्ट करने के बाद ए फोल्डर ही हमारे मेल में अटैच करने भेजना पड़ेगा, पर इस तरह की नहीं है, ये जिप फोल्डर्स के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये राइट क्लिक करने पर वहाँ ऐड टू अचीव ऑप्शन है, वहाँ देखो ऐड टू अचीव ऑप्शन में वहाँ जिप के लिए एक ऑप्शन है जी, जिप करते ओके करो। यहाँ देखो ये जिप है, डेमो जिप ऑप्शन आ जाएगा। अभी ये ही हमारी मेल आईडी में अटैच करने भेजना पड़ेगा जी। ये तो लाइव वर्क लेने पर ही आप इसका प्रोसीजर यही है जी। इसमें कोई डाउट आने तो हमको कॉल करना सकता है, हम आपको मदद करूँ जी। थैंक यू।